अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसल। आज की वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि मीज़ान बैंक के अंदर अनाउंसमेंट हुई है। इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको मुकम्मल तरीक़ाकार भी एक ही वीडियो के अंदर सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इस जॉब के लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शार्ट लिस्ट करेंगे, शार्ट लिस्ट करने के बाद आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन होगी। तो सैलरी की बात करें तो आपकी इससे ज़्यादा सैलरी होगी। अगर आपके पास जॉब का कोई तजर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री कम्प्लीट है। तो डिग्री अगर आपकी चल भी रही है, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, फिर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 8 किस्म की लेटेस्ट जॉब मिलेंगी। इस पेज के ऊपर आपने कैसे आना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख लेंगे सारी लेटेस्ट जॉब है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे देखना है कि बिल्कुल फ्रेश लिखा हुआ है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने देख लेना है फ्रेश लिखा हुआ है कि फ्रेश कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करेंगे, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है जॉब का कोई एक दिन का भी, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर देखनी है कि यहाँ पे आपकी जो एज है वो 24 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो इस वैकेंसी के लिए। कुछ वैकेंसियों के लिए 27 साल तक है, कुछ वैकेंसियों के लिए 30 साल तक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद बात करें तो नीचे एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के ज़रिए आपने अप्लाई करना होगा। अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं आपको सारी वैकेंसियाँ दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो ये आपको नीचे लिखा नज़र आ जाएगा अप्लाई नो, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। आप थोड़ा बैक आते हैं, बैक आने के बाद मैं आपको मज़ीद यहाँ पर वैकेंसियाँ दिखा देता हूँ जो कि लेटेस्ट वाली हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी एजुकेशन के मुताबिक इसके अंदर अप्लाई कर करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई है या अभी चल रही है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब मिलेगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने देख लेना है इसके अंदर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है 15 जुलाई तक आपने अप्लाई करना होगा। अप्लाई नो का नीचे फॉर्म आपको बनना मिल जाएगा, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट की नीचे जॉब मिल जाएगी जो कि रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके अंदर आपने मज़ीद चीज़ें देख लेनी है, सारा कुछ लिखा हुआ है, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी है। देखने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। 15 जुलाई तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बताते हैं बैक बैक आने के बाद मैं अभी आपको तरीका इसके अंदर बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सा फॉर्म है जो कि आपने इसको फिल करना है और फिल करने के बाद आपने अप्लाई करना होगा। तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नो, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना होगा और वहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपने देख लेनी है सभी, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अप्लाई का। आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये ईमेल मांगेगा, आपने अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद उसके ऊपर कंफर्मेशन कोड आएगा, वो आपने करके वेरीफाइड करना है। ये फॉर्म आपके सामने आ गया, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपके एरिया नंबर, उसके बाद जेंडर है, मेल है, फीमेल है, मैरिज स्टेट के बारे में बताना है, एड्रेस आपने बताने हैं 3-4 जो है, पोस्टल कोड आपका कौन सा है वो आपने बता देना है। यहाँ से आपने CV लगानी है PDF में, और साथ में आपने यहाँ पे अपना एक कवर लेटर है वो आपने लगा देना है। क्वेश्चन को जो होंगे वो आपने देख के सबमिट करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपने गूगल के ऊपर आके जाके कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट के ऊपर आपने आना है, इसलिए आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, मोबाइल का या लैपटॉप का। वहाँ पे आप लिखेंगे मीज़ान बैंक कैरियर, आपने इसको लिख के सर्च करना है तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो कि मीज़ान बैंक की है। तो आपको ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी मीज़ान बैंक कैरियर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे जो कि मीज़ान बैंक की है, वहाँ से आप इजी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो बहुत पसंद होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली इस तरह की जॉब्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।